हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत और कुवत कैसे पैदा करें सबसे पहली चीज ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें उन पर सब्र करना सीखें सही जामे की रिवायत है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्म नितुम व हिल्म नित्म के इल्म सीखने से आता है बंदा घर पर बैठ जाए और ये सोचे कि मुझे इल्म हासिल होगा हो नहीं सकता कोई ये सोच ले कि मुझे इल्हाम के ज़रिए से इल्म हासिल हो जाएगा हो नहीं सकता इल्म हासिल करना होता है इंसान को मेहनत करनी होती है वक्त लगाना होता है तजुर्बा हासिल करना होता है तब जाकर इंसान को इल्म हासिल होता है और फरमाया बर्दाश्त करना अपनाने से आता है अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम बर्दाश्त करना सीखेंगे तो अल्लाह की तौफीक से बड़ी चीज़ों को भी हम बर्दाश्त करना और उन पर सब्र करना सीख जाएंगे दूसरी चीज़ के मुसबत सोच रखें क्योंकि मनफी सोच की वजह से शैतान को अपना काम करने में आसानी होती है अगर हमारी सोच मुसबत होगी तो शैतान कभी भी अपने हरबे में कामयाब नहीं हो पाएगा अगर मनफी सोच होगी तो शैतान अपने हरबे में कामयाब होगा प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है जिस तरह हमारे जिस्मों में खून गर्दिश करता है खून दौड़ता है शैतान उसी तरह हमारे जिस्मों में दौड़ता है अगर मनफी सोच होगी शैतान हमारे गुस्से को भड़काएगा और उसे काम करने में आसानी होगी तीसरी चीज कि हमें लोगों की खामियों को नजरअंदाज करना होगा और उनकी खूबियों को हम देखें यानी लोगों की खामियों को नजरअंदाज करें और उनकी खूबियों को तलाश करें उनकी खूबियों को देखें ऐसा करने की वजह से हमारे अंदर सब्र तहमुल पैदा होगा सब्र पैदा होगा बर्दाश्त करने की ताकत पैदा होगी हातिम बिन अबी बल तदीलन बदरी साहबी हैं बदर में जिन्होंने शिरकत की जंग की अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का से चंद एयाम पहले हुक्म देते हैं के तैयारी कर ली जाए अब मक्का वालों के ऊपर चढ़ाई करनी है जंग की तैयारी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे देते हैं हातिब बिन अबी बल्त एक ख़त लिखते हैं ताकि मक्का के मुशरिकीन को आगाह कर दें कि मुसलमान हमला करने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम को वही के जरिए खबर कर दी जाती है वह औरत जो ख़त लेकर जा रही थी हज़रतली रदी अल्लाह और देकर साहबा उसे पकड़ कर लाते हैं सहाब रसूल को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया वो कहते हैं कि मेरे जो अहले खाना हैं मेरी आलो ओलाद मक्का में हैं और मैंने ये खत लिख कर उनको ये आगाही इसलिए की ताकि वो मेरी आलो ओलाद पर एहसान करें और उन्हें किसी तरीके की तकलीफ़ न दें उमर रदी अल्लाह अनु खड़े होते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्ला आप हुक्म दे दीजिए मैं इस मुनाफिक के गर्दन को उड़ा दूंगा अल्लाह के रसूल सल अल्लम फरमाते हैं कि अय उमर क्या तुम नहीं जानते कि ये इन्होंने बदर में शिरकत की थी ये बदरी सहाबी हैं और अल्लाह रबालमीन अहिल बदर के हालात को पहले से जानता है गौर करें अल्लाह के रसूल सल्ला ने इस खामी को नज़रअंदाज कर दिया और जो बद्रम में उन्होंने शिरकत की थी अल्लाह के रास्ते में जंग की थी उस खूबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उसे बयान किया चौथी चीज़ अच्छे लोगों की सहबत इख्तियार करें क्योंकि सहबत का इंसान के ऊपर असर होता है अगर अच्छे लोगों की सहबत इख्तियार करेगा तो अच्छा होगा अच्छी सिफात पैदा होंगी अगर बुरे लोगों की सहबत इख्तियार करेगा तो बुरा होगा और बुरी सिफात पैदा होंगी और पांचवी चीज़ कि इंसान अपनी खामियों को देखे अपनी खामियों को देखेगा तो फिर वो दूसरों की खामियों को नज़रअंदाज करेगा दूसरों की खामियों को नहीं देखेगा गुस्सा नहीं आएगा बल्कि बर्दाश्त करने की ताकत कवत पैदा होगी छठी चीज़ ये है कि मादरत और शुक्रिया की आदत को अपनाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े से बड़ी लड़ाई सिर्फ इस वजह से रुक जाती है कि हम उसमें अफवन सॉरी या माफ़ करना गलती हो गई इस तरीके के अफाज इस्तेमाल कर लेते हैं और सातवीं चीज़ के गुस्से को काबू में रखने की आदत अपनाएं अगर गुस्सा आ जाए तो अदबिल पढ़ लिया जाए या वजू कर लिया जाए अगर खड़े हों तो बैठ जाएं और अगर बैठे हों तो लेट जाएं इस तरीके से हम सब्र तहमल को अपना सकते हैं अपने अंदर पैदा कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें